Bismillahirrahmanirrahim. Okay, जी. So we were discussing about healthy snacks. ठीक है, तो हम ये बात कर रहे थे कि there are whole lot of options जो आप बच्चों को as healthy snacks offer कर सकते हैं और young athletes की भी जब हम बात करते हैं और वही आपको करना चाहिए. ठीक है, अच्छा. Next जी point, get them moving more. अच्छा, ये बड़ा important point है, इसको बेटा थोड़ा सा understand करो. ये पहले भी खैर हमने discuss किया था कहीं बहुत शुरू में कि being an athlete does not mean that you are automatically categorized as an active individual. जो आप as an athlete training कर रहे हो या sport कर रहे हो वो आपकी physical activity में उस तरह से नहीं आता. ठीक है, अगर आप रोजाना young athlete की बात करें, वो रोजाना दिन में एक घंटा gym करता है और उसके बाद पूरा दिन sedentary है, तो हम उसको जब PAL फैक्टर डालेंगे, फिजिकल एक्टिविटी लेवल उसका डालेंगे, तो वो सेडेंट्री वाला ही डालेंगे. गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, तो हमने उनको एनकरेज करना है वॉक करने के लिए, मे बी साइकिलिंग, मे बी स्विमिंग, मे बी कोई फुटबॉल, कोई ऐसा स्पोर्ट, यानी जो उनके पर्टिकुलर स्पोर्ट के अलावा है जिसके अंदर वो प्रोफेशनली अपने आप को ट्रेन करें. limit time spent watching television and balance activity and viewing time. ये दोनों पॉइंट सेम है कि जिस स्क्रीन टाइम को आपने रेगुलेट करना है बच्चों के, यंग एथलीट्स के, और एक सर्टन उनको टाइम आपने डेजिग्नेट कर देना है कि जी ये आपका स्क्रीन टाइम है, इसके अलावा आपने जो है वो आप इससे ज्यादा आपको नहीं देखना टेलीविजन या मोबाइल फॉर दैट मैटर. जब आप बगैर फोकस की अपना खाना खाते हो, विदाउट यूजिंग ऑल ऑफ योर सेंसेस, तो आप ज्यादा खाते हो और आपकी डाइजेशन, एसिमिलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सारे प्रोसेसेस डिस्टर्ब होते हैं. तो आपने जब भी खाना खाना है तो आपने कोशिश ये करनी है कि मेक श्योर करना है कि आप अपने सारे सेंसेस के साथ खा रहे हो, फुली फोकस्ड होके खा रहे हो, और जनाब इससे बढ़ के खाना खाते हुए कोई भी स्क्रीन आपके सामने नहीं है. एंड अबव ऑल, जो मैं खुद पर्सनली हमेशा करता हूँ, करने की कोशिश करता हूँ कि व्हाट इज द हार्म अगर दिन में आप कुछ घंटे अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दो, या मे बी ओके अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो दिन में मत करो, बट रात को सोने से पहले अगर आप अपना मोबाइल फोन ऑफ कर दो और एटलीस्ट पूरी रात वो ऑफ रहे, और जब आपने सुबह उठना है तो आप सुबह अपना फोन ऑफ कर लो, दैट्स इट. एटलीस्ट आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी होगी, कुछ घंटे यू नो आप गैजेट से आपका ऑफ रहेगा. तो समटाइम्स इट इज गुड. अब बहुत लोग कहेंगे भी हमने तो अलार्म में मोबाइल ऑफ में भी अलार्म हो जाते कुछ मोबाइल्स में, वैसे ये खैर आपकी अपनी मर्जी है, बट जस्ट सेम. ठीक है, अच्छा जी, कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए बच्चों को? अभी यूके का रेफरेंस दिया हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि जी 6 to 10 ईयर्स ओल्ड जो है वो उनको 60 मिनट्स की कम से कम करनी चाहिए, और जिन्हें डेली एक घंटे के लिए उनको एक्टिव होना चाहिए. 11 to 15 ईयर्स हैं वो 30 to 60 मिनट्स कर सकते हैं, जिसके अंदर एटलीस्ट हफ्ते में 3 दिन विग्रेस एक्टिविटी हो, जैसे जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, फुटबॉल या कोई भी स्पोर्ट, कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट फॉर दैट मैटर. ठीक है, कुछ टिप्स दी भी हैं टू मेंटेन अ हेल्दी वेट. 5 सर्विंग्स फ्रूट वेजिटेबल्स से जरूर हूँ, 1/3 रूल फॉलो करना. 1/3 रूल होता है कि आपकी प्लेट में 1/3 वेजिटेबल्स जरूर होनी चाहिए. फूड आपने टेबल पे बैठ के खाना है, बच्चों को सब स्नैक्स में फ्रूट दें, डेयरी प्रोडक्ट्स बच्चों को जरूर दें, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है. जहां जहां पे पॉसिबल हो सके ब्राउन्स, वाइट्स को रिप्लेस कर दें विद ब्राउन्स. चॉकलेट्स और ऐसे अट्रैक्टिव फूड्स को बैन नहीं करना बच्चों के लिए बिल्कुल भी. सूप्स वगैरह जब दे रहे हैं, सैंडविचेस दे रहे हैं, कोई ऐसी चीज दे रहे हैं, मेक श्योर के उनके साथ बहुत सारी वेजिटेबल्स आप ऐड कर दें. चिप्स अगर दे रहे हैं तो कोशिश करें उसके थिक स्लाइसेस हों, कोशिश करें उसको फ्राई करने के बजाय बेक कर लें, कोशिश करें जी रेगुलर ऑयल की बजाय ओलिव ऑयल में हो, स्टफ लाइक दैट. डेजर्ट्स दे रहे हैं तो उसके अंदर फ्रूट्स ज्यादा ऐड कर दें. इनकल्केट एंड टीच देम टू ईट स्लोली, चू वेल. ठीक है, जिससे ये सारे पॉइंट्स हैं जो उनके वेट मेंटेन करने में हेल्प करें. हाउ कैन यंग एथलीट्स पुट ऑन वेट? आप में से बहुत सारे लोगों ने पूछा है, इंशाल्लाह ताला उस पर मैं जल्दी वीडियो
काफी जल्दी बनाऊंगा, मेरी फिजिकल एक्टिविटी की जो सीरीज चल रही है ये खत्म हो जाए, इसके बाद इंशाल्लाह वेट गेन पे मैं डेफिनेटली डालूंगा। कुछ पॉइंटर्स जो बच्चों के लिए हैं वो ये हैं कि जी बिगर पोर्शन आप उनको ऑफर कर सकते हैं, डेली 3-4 न्यूट्रिशियस स्नैक्स दे सकते हैं मील्स के बीच में, न्यूट्रिशियस ड्रिंक्स उनके ऐड कर सकते हैं, मिल्क विद हनी हो, मिल्क शेक्स विद हनी हो सकता है, योगर्ट विद क्रीम हो सकता है, फ्रूट जूसेस हो सकते हैं फुली कंसेंट्रेटेड घर के बने हुए, बट डेफिनेटली चीज ऐड कर सकते हैं आप उनके सूप्स में, उनके करी में, उनके यू नो सैलड के साथ में भी, पोरेज दे रहे हैं तो उसके साथ नट्स या ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दें, वेजिटेबल्स के साथ चीज सॉस ऐड कर दें, यू नो स्टफ लाइक दैट, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अगेन बहुत सारी ऑप्शंस दे दी हैं उन्होंने वो हाई एनर्जी स्नैक्स की वेट गेन के। अच्छा ये लास्ट जो है इस चैप्टर में दैट इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एप्रोप्रिएट फॉर यंग एथलीट्स। अच्छा ऐसा है जनाब कि वैसे जनरली तो ये है कि बहुत ज्यादा हार्ड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बच्चों को नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनकी ग्रोइंग फेज होती है, लेकिन जो रिसेंट रिसर्चेस हुई हैं उनमें ज्यादातर में ये प्रूव हुआ है कि ऐसे बच्चे जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं उनकी ग्रोथ कोई नेगेटिवली इफेक्ट नहीं होती, बल्कि ऐसे बच्चे उन्होंने देखा है कि ज्यादा कॉन्फिडेंट, उनकी सेल्फ एस्टीम ज्यादा बेटर होती है और यू नो ज्यादा वो साइकोलॉजिकली भी ज्यादा बेटर होते हैं, फ्रेश माइंड के साथ होते हैं। तो दैट मींस कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बच्चे बिल्कुल कर सकते हैं। कुछ पॉइंटर जरूर हैं जो आपको, जो बच्चों की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करा रहे हैं तो वो आपको जरूर माइंड में रखने चाहिए, वो पॉइंटर्स मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो बेटे ये कि जब भी ट्रेनिंग करानी है बच्चों की तो इट शुड बी अंडर द गाइडेंस ऑफ अ सर्टिफाइड ट्रेनर। जैसे मैं अगर अपनी बात करूँ तो अब मैं कोई ट्रेनर तो नहीं हूँ, अगर मैं बैठ के लोगों को एक्सरसाइज के ऊपर लेक्चर देना शुरू करूँ कि जी फलानी चीज के लिए ये एक्सरसाइज करनी, फलानी चीज के लिए एक्सरसाइज करनी, तो दिस इज क्वाइट अनफेयर। तो उसके लिए आपको प्रॉपर एक जिम ट्रेनर या कोच या जो भी स्पोर्ट्स पर्सन है उसकी सर्विसेज आपको लेनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि बच्चे हैं यंग हैं तो उनके लिए जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो बहुत हार्ड बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए, लाइट वेट्स को लिफ्ट करना वो शुरू करें। हाँ वो बेशक नंबर ऑफ रेपिटेशन अपनी बढ़ा दें लेकिन बहुत हैवी वेट्स को लिफ्ट ना करें, ठीक है, क्योंकि हैवी वेट्स खासतौर पर जब तक वो प्यूबर्टी की एज के अंदर है, क्योंकि वहां पे फिर उनकी बॉडी पोस्चर्स खराब हो सकते हैं, माइट बी हाइट उनकी इफेक्ट हो सकती है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। फिर एक और चीज ये है कि टेक्निक जो भी वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, वेट लिफ्ट कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसकी टेक्निक बड़ी सही होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे उस ग्रोइंग एज में होते हैं जहाँ पे अगर गलत टेक्निक से लेट से उन्होंने वेट लिफ्ट करना शुरू कर दिया तो उनके मसल्स या बोन्स की अभी फॉर्मेशन हो रही है, उनकी टोनिंग हो रही है, उनकी ग्रोथ हो रही है, तो वो फिर गलत एंगल में ग्रो करेंगे या टोन करेंगे, तो वो फिर लेटर ऑन लाइफ में सही करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, समटाइम्स इररिवर्सिबल, ठीक है। हैवी लिफ्ट्स इसी तरह आपने नहीं ऐड करनी। फिर प्रॉपर ब्रेक्स बच्चों को बीच में लेनी है, जाहिर है एडल्ट्स की तरह नहीं बच्चे कर सकते स्टिल, जितने मर्जी एजाइल हों जितने मर्जी एक्टिव हों, तो आधे घंटे का अगर सेशन किया उसके बाद अच्छी 5-6 मिनट की ब्रेक दें, उसको अच्छे से हाइड्रेट हों बच्चों को करवाएं, अच्छा सा उनको कुकिंग ड्रिंक दे दें बीच में। फिर इसी तरह से उनके जो सेशन हैं फन सेशन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि इतना ज्यादा आप उनको यू नो मे बी डांट रहे हैं या इतना ज्यादा आपने उनके लिए उसको मुश्किल बना दिया, ठीक है। तो ये सारी है कहानी, ये आपको बतानी चाहिए। नेक्स्ट है जनाब चैप्टर नंबर 15 और पेज नंबर बता देता हूँ, पेज नंबर जनाब वाला है 198, पेज नंबर इज 198, चैप्टर नंबर इज 15 और टॉपिक है योर पर्सनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अच्छा इसमें सिंपल सी दो तीन बातें सिर्फ बतानी है, ये ऑलरेडी ये समरी है पूरा बुक की जो हम ऑलरेडी चीजें कर चुके हैं डिस्कस। अच्छा दो तीन चीजें सिर्फ यहाँ पे आपको बतानी है। अच्छा ये बेटे है बेसिकली योर पर्सनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, ये नहीं आपके पास कोई भी एथलीट आता है उसने वेट लॉस करना है, उसने वेट गेन करना है, उसने वेट मेंटेन करना है, तो आप उसके लिए मैक्रोन्यूट्रिएंट कैलकुलेशंस कैसे करोगे, कैलोरी कैलकुलेशंस कैसे करोगे, ये ऑलरेडी हम स्टेप बाय स्टेप बहुत
तसल्ली से तरीके से हम कर चुके हैं, उसकी जस्ट एक समरी दी हुई है, वो ही क्विकली दो चार मिनट में मैं आपको बता दूंगा। कार्बोहाइड्रेट्स की अगर हम बात करें तो आपको बेटा पता है कि अगर तो लो टू मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज करते हैं तो उनका कार्बोहाइड्रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, 5 to 7 grams per kg बॉडी वेट पर डे। और अगर मॉडरेट टू हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो फिर उनका कैलकुलेट होता है 7 to 10 grams per kg बॉडी वेट पर। प्रोटीन्स की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन्स जो एथलीट्स के लिए रिकमेंडेड है दैट इज 1.2 to 1.7 grams per kg बॉडी वेट पर डे। कितना? 1.2 to 1.7 grams per kg बॉडी वेट पर डे। और लास्ट अगर हम फैट्स की बात करें तो टोटल एनर्जी का 20-33% should be coming from fats. ठीक हो गया, ये कहानी हो गई। अच्छा, अब चाहे एथलीट आपके पास आया है कंसल्टेशन के लिए, चाहे उसने वेट लॉस करना है, चाहे गेन करना है, चाहे उसका आपने मेंटेनेंस वेट के लिए बनाना है, तो उसकी यही परसेंटेज सेम रही कार्ब्स प्रोटीन और फैट्स की। उसमें इंडिविजुअल ऑल्टरेशन तो है, वो भी खैर आपको पता भी है, वो अभी हम देख भी लेते हैं। अच्छा, फिर आपको पता है कि कुछ स्टेप्स हम फॉलो करते हैं जब भी हम एथलीट्स के लिए कैलोरी कैलकुलेशंस करते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट कैलकुलेशंस करते हैं, वो स्टेप्स की अगेन समरी यहाँ पे दी हुई है। पहली बात तो बेटे ये है कि आपने मेंटेनेंस कैलोरी इनटेक कैलकुलेट कर लिया, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं चैप्टर 9 के अंदर, आपको पता है, आपको आता है, यूट्यूब पे लेक्चर भी, अगर आपको नहीं याद या नहीं समझ आया आप दोबारा जाके वो लेक्चर देख सकते हैं। मेंटेनेंस कैलोरी इनटेक कैलकुलेट करने के बाद अगर तो उसने वेट मेंटेनेंस के लिए आपके पास डाइट प्लान बनाना है तो आपने कुछ नहीं करना, अगले स्टेप्स पे चला जाना कार्बोहाइड्रेट फैट्स प्रोटीन्स कैलकुलेट करने। अगर वेट लॉस करना है तो आपने मेंटेनेंस कैलोरी इनटेक को 0.85 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ये हम पहले कर चुके हैं। और अगर वेट गेन करना है तो मेंटेनेंस कैलोरी इनटेक को 1.2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना, सिंपल। ठीक है, अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी हुई है 70 kg एथलीट के लिए, ये एग्जाम्पल आप खुद से पढ़ भी सकते हो, कैलकुलेट भी कर सकते हो, मैच भी कर सकते हो इसके साथ कैलकुलेशंस। बहुत सिंपल है कि जी 70 kg का एथलीट है, उसकी हमने टोटल कैलोरीज निकालनी है, तो क्या हम करेंगे, हम उसको इक्वेशन में पुट करेंगे, टोटल कैलोरीज जो आ गई 2450 आ गई उसकी, क्योंकि उसका लाइफस्टाइल सेडेंट्री था तो हमने 1.4 से मल्टीप्लाई किया, 1.4 से मल्टीप्लाई किया तो 2450 आ गया। अब जनाब वो वीक में 2 घंटे वेट ट्रेनिंग करता है, 1 घंटा जब आप वेट ट्रेनिंग करते हैं तो आप कितनी कैलोरीज कंज्यूम करते हैं, 450। वो 2 घंटे करता है तो 450 + 450 कितना हो गया, 900। उसके अलावा वो वीक में 1 घंटा स्विमिंग करते हैं, स्विमिंग जब आप करते हैं 1 घंटा तो आप कैलोरीज स्पेंड करते हैं 385, तो 900 + 385 बन गया 1285 वो कैलोरीज हैं जो वो पूरे वीक में कंज्यूम करते हैं, स्पेंड करते हैं। 1285 को आप 7 से डिवाइड कर दो क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो ये 184 आ जाता है, 184 कैलोरीज हैं जो वो डेली बेसिस पे कंज्यूम करता है। उसका मेंटेनेंस कैलोरी इनटेक कितना हो गया, 2450 + 184 दैट इज 2634। अब अगर उसने वेट लूज करना है तो वो 2634 को आप 0.85 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर वेट गेन करना है तो 2634 को 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो। कार्बोहाइड्रेट इंडेक्स सिंपल मैं अभी ऑलरेडी बता दिया है, 5 to 7 है, लो टू मॉडरेट को करें तो हम 5 to 7 पे ही कैलकुलेट करेंगे। 70 kg का है ना तो 70 × 5 कितना हो गया, 350, और 70 × 7 450 से लेके 490 grams per day कार्बोहाइड्रेट उसने लेना है। प्रोटीन इंटेक उसका कैलकुलेट करना है, प्रोटीन इंटेक आपको पता है प्रोटीन के चैप्टर में पढ़ चुके हैं, एंड्योरेंस एथलीट्स के लिए 1.2 to 1.4 होता है grams per kg बॉडी वेट पर डे, पावर एंड स्ट्रेंथ के लिए 1.4 to 1.7 होता है, वेट लॉस करना हो तो 1.6 होता है, वेट गेन करना हो तो 1.4 से लेके 1.7 उसी के अकॉर्डिंगली आप उसका कैलकुलेट कर लो। फैट्स जब हम कार्ब्स और प्रोटीन्स कैलकुलेट कर चुके होते हैं तो जो रिमेनिंग होती है कैलोरीज फैट्स, सो इट इज एज सिंपल एज दैट। फ्लूड इनटेक के लिए कुछ आपको पता है, बस हमारे पास ऑप्शंस वो कुछ पॉइंटर्स होते हैं जो हम फ्लूड के चैप्टर में हाइड्रेशन के चैप्टर में बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं कि जी अगर तो 1 hour से कम की एक्सरसाइज है तो वहां पर जस्ट प्लेन वाटर भी इनफ है, अगर एक्सरसाइज बहुत हाई इंटेंसिटी की है या 1 hour से ज्यादा है तो फिर आइसोटॉनिक स्पोर्ट्स ड्रिंक आप साथ में दे सकते हैं। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अच्छे से हाइड्रेटेड होना चाहिए, ड्यूरिंग एक्सरसाइज थोड़ा थोड़ा पानी आप पीते रहें लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, आफ्टर एक्सरसाइज आप अपना कार्बोहाइड्रेट्स भी कंज्यूम करें 30 to 60 grams per hour, हाइड्रेट भी अच्छे से करें 1.2 to 1.5 liters for loss of every 1 kg, आपको पता है ना। और कैसे पता चलेगा लॉस कितना हुआ है, एक्सरसाइज करने से पहले अपने आप को वेट कर लें, एक्सरसाइज करने के बाद अपने आप को वेट कर लें तो आपको पता चल जाएगा।
अच्छा अब जो बेटे बेहतरीन चीज इस चैप्टर की है वो बड़े काम की चीज है, वो आप जरा गौर से समझ लो, उसके अंदर कुछ ऐसा मुश्किल नहीं है। पेज नंबर जरा ओपन कर लो 201। तो यहाँ पे दिए हुए हैं मील प्लान्स। अब बड़ी मजेदार चीज ये है कि आपके पास कोई भी एथलीट आता है रियल लाइफ में, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास एक एथलीट आया और माशाल्लाह आप देखो अभी से इस पोजीशन में आ गए हो, अभी आप के कितना 6 सेमेस्टर चल रहे हैं, आपके पास कोई एथलीट आया है उसका आपने डाइट प्लान बनाना है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अपनी बुक की हेल्प ले सकते हो। पेज नंबर 202 से ऑनवर्ड्स आपको डिफरेंट डाइट प्लान दिए हुए एथलीट्स कि किस तरह से दिए हुए उसको अंडरस्टैंड कर लो, फिर आप इजीली यूज कर सकते हो। पहली चीज तो ये कि 3 डिफरेंट कैलोरीज के ऊपर डाइट प्लान दिए हुए, 2500 पे दिए हुए, 3000 पे दिए हुए, 3500 पे दिए हुए। तो आपके एथलीट की आप कैलोरीज कैलकुलेट करो, उसको जितनी दिन में चाहिए, 2500 चाहिए तो 2500 वाला डाइट प्लान आप चूज कर सकते हो, 3000 चाहिए तो वो कर लो, 3500 कैलोरीज चाहिए तो वो कर लो। नंबर वन। नंबर टू, अगर आप पेज नंबर 202 से ऑनवर्ड्स देखो तो पहले दिया हुआ है मेन्यू वन, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है मेन्यू टू, नेक्स्ट पेज पे दिया हुआ है मेन्यू थ्री, फिर मेन्यू फोर, मेन्यू फाइव। इन अदर वर्ड्स कि रोजाना जाहिर है हम इंसान है, हर एक को वैरायटी चाहिए, हम सेम डाइट प्लान तो दे नहीं सकते। तो बेस्ट चीज इस बुक की ये है कि हर, अब ये पेज नंबर 202 पे कितनी कैलोरीज का डाइट प्लान दिया हुआ है, 2500 कैलोरीज, तो ये कितने डाइट प्लान है, देयर आर 5 डाइट प्लान। यानी लेट्स से पेज नंबर 202 वाला आप मंडे को फॉलो कर लो, नेक्स्ट पेज वाला ट्यूजडे को फॉलो कर लो, नेक्स्ट पेज वाला वेनेसडे को फॉलो कर लो, नेक्स्ट पेज वाला थर्सडे को फॉलो कर लो, नेक्स्ट पेज वाला फ्राइडे को फॉलो कर लो। तो पूरी वैरायटी दी हुई है, रोजाना आप एथलीट को ये तो नहीं कहोगे ना रोजाना एक एक डाइट प्लान बना दो, रोजाना आपने वही खाना, तो ये बेस्ट चीज। तो पहले जनाब यानी 2500 कैलोरीज के लिए 5 डाइट प्लान दिए हुए, फिर 3000 कैलोरीज के लिए 5 डाइट प्लान दिए हुए, फिर 3500 कैलोरीज के लिए 5 डाइट प्लान। ये जबरदस्त चीज है। उसके बाद जब आप फर्दर जाते हो तो वेजिटेरियन एथलीट्स के लिए 2500 कैलोरीज के लिए 5 डाइट प्लान है, फिर 3000 कैलोरीज के लिए 5 डाइट प्लान है, फिर 3500 कैलोरीज के लिए 5 डाइट प्लान। तो यानी आप 2-3 चीजें देख लो, आपके पास कोई एथलीट आता है आपने उसके लिए डाइट प्लान बनाना है, पहले देख लो कि उसकी कैलोरी कैलकुलेशन कर लो कितनी, 2500 के करीब है, 3000 के करीब है, 3500 के करीब है, ये देख लो। फिर देख लो कि जी क्या वो वेजिटेरियन है या वो नॉन वेजिटेरियन, उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से चूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक हो गई बात। अब इससे ज्यादा मजेदार एक बात, अगर आप पेज नंबर 202 पे आओ, या चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा, पेज नंबर 204 पे आ जाओ, मेन्यू 3, 204 मेन्यू 3, 2500 कैलोरीज का मेन्यू है, नॉन वेजिटेरियन एथलीट के लिए दिया हुआ है, और इसके अंदर अगर आप देखो तो जितने यहाँ पे प्लान्स दिए हुए हैं बुक में सबकी डिटेलिंग बहुत बेहतरीन की हुई है, हर फूड आइटम की कैलोरीज दी हुई है, उससे प्रोटीन कितना मिल रहा है, उससे कार्ब्स कितने मिल रहे हैं, उससे फैट्स कितना मिल रहे हैं। फिर नीचे जब टोटलिंग की हुई है तो टोटल कैलोरीज, जैसे अगर पेज 204 की बात करूं तो नीचे ये वाला डाइट प्लान फॉलो करके हमें दिन की 2509 कैलोरीज मिल रही है, प्रोटीन हमें मिल रहा है 123 ग्राम्स, कार्ब्स हमें मिल रहा है 409 ग्राम्स, और फैट्स हमें मिल रहा है 53 ग्राम्स। और फिर ये भी बताया हुआ है कि प्रोटीन टोटल एनर्जी का 20% दे रहा है, कार्ब्स 61% और फैट्स टोटल एनर्जी का 19%। तो बहुत ही अच्छी डिटेलिंग की। अच्छा अब आप जरा प्लान को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट दिया हुआ है 60 ग्राम ओट्स पोरेज, 300 ml स्किम्ड मिल्क, 1 टेबलस्पून या 30 ग्राम्स रेजिन्स, 200 ml ऑरेंज जूस, ये ब्रेकफास्ट हो गया। और जैसे मैंने बताया आप हर एक का देख सकते हो कैलोरीज कितनी आ रही है, प्रोटीन का आप सर्च करना है। मिड मॉर्निंग स्नैक में एक फ्रूट बार या सीरियल दिया हुआ है 33 ग्राम्स का, 154 कैलोरीज से मिल जाएंगी। लंच में 1 बेगल है 90 ग्राम्स का, बेगल स्प्रेड है जिसके अंदर 2 टीस्पून ओलिव ऑयल है, 100 ग्राम्स सॉफ्ट चीज है, 125 ग्राम सैलड है, 1 टेबलस्पून ड्रेसिंग है। मिड आफ्टरनून स्नैक में 60 ग्राम ड्राई फ्रूट है जैसे डेट्स या एप्रिकॉट्स। अच्छा ठीक, वर्कआउट के टाइम 500 ml वाटर है, 500 ml जूस है, पोस्ट वर्कआउट 4 राइस केक्स हो सकते हैं और साथ में 150 ग्राम लो फैट योगर्ट हो सकते हैं। डिनर में स्पाइसी चिकन विद राइस आपने देना है, 610 कैलोरीज वो दे देंगे,
ग्रीन कैबेज 85 ग्राम्स दे देनी है और 85 ग्राम्स चीज दे, और बेड टाइम पे पियर वो ले सकते हैं 57 कैलोरीज ऑलमोस्ट मिल जाए। ठीक है, अब जो चीज मैं समझाना चाह रहा हूँ वो चीज क्या है, वो चीज ये है, लेट्स अज्यूम कि आपके पास एक एथलीट आया है जिसकी जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स हैं वो है 2450। क्लियर? अब आपके पास बुक का डाइट प्लान जो दिए हुए हैं वो कितनी कितनी कैलोरीज पे दिए हुए हैं, 2500 पे दिए हुए हैं, 3000 पे दिए हुए और 3500। अब आप ये देख लो कि 2450 किसके करीब है, सबसे ज्यादा 2500 के सबसे ज्यादा करीब है। ठीक है, आपने 2500 वाला एक डाइट प्लान उठा लिया और आपके पास जो एथलीट आया है वो है नॉन वेजिटेरियन, तो हमने लेट से यही पेज नंबर 204 वाला डाइट प्लान उसके लिए उठा लिया। अब जो कैलोरिक रिक्वायरमेंट्स है पर डे पे मेरे एथलीट की वो है 2450 और ये डाइट प्लान जो हमें कैलोरीज दे रहा है तकरीबन 2500 दे रहा है, 2509 हम रफली 2500 कह देते। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, यानी 50 कैलोरीज ये एक्स्ट्रा दे रहा है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे सिंपली ये करना है कि ये जो जितना फूड प्रोडक्ट्स दिए हुए इनमें से एक ऐसा प्रोडक्ट लेना है जिसमें से मैं उसकी 50 कैलोरीज कम कर दूं। भाई मेरे लिए बड़ा कन्वीनियंट ऑप्शन मुझे ऊपर नजर आ गया है, ब्रेकफास्ट में जहाँ 300 ml स्किम्ड मिल्क तकरीबन 99 या 100 कैलोरीज दे रहा है, मैं 300 ml की बजाय अपने एथलीट को कह दूंगा कि जी आप 150 ml स्किम्ड मिल्क, वो आपको देगा 50 कैलोरीज। तो 50 कैलोरीज मैंने उसकी यहाँ से कम कर दी, ओवरऑल 2500 की बजाय उसकी कितनी कैलोरीज बन गई, 2450 कैलोरीज बन गई। द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक, इसके बजाय इसके कि आप बहुत ड्रास्टिक चेंजेस करो अपने डाइट प्लान में, आप इन्हीं डाइट प्लान को यूज करके इनको मॉडिफाई कर सकते हो, कोई भी एथलीट जो आपके पास कंसल्टेशन के लिए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, अब इसी तरह लेट से अगर किसी को 2600 कैलोरीज चाहिए 2500 की बजाय, ठीक है, तो इसका मतलब है 100 कैलोरीज आपने उसकी ऐड करनी है। ठीक है, तो आप 100 कैलोरीज ऐड करने के लिए क्या कर सकते हो, आप 100 कैलोरीज ऐड करने के लिए मिड मॉर्निंग में देखो जो हम एक फ्रूट बार उसको दे रहे हैं वो आपको दे रहा है 154 कैलोरीज। ठीक है, इसका मतलब है अगर हम आधा फ्रूट बार मजीद दे दें तो हमें तकरीबन दे देगा 77 कैलोरीज। ठीक है, तो हमें आधे से थोड़ा ज्यादा देना है तो तकरीबन 100 कैलोरीज देगा, तो हम एक 2/3 फ्रूट बार उसका ऐड कर देते हैं हम मिड आफ्टरनून स्नैक में, जहां पे हम उसको 60 ग्राम्स ड्राई फ्रूट्स दे रहे हैं उसके साथ एक 2/3 फ्रूट बार ऐड कर देते हैं, वो एडिशनल 100 कैलोरीज दे देगा। इस तरह से टोटल जो हमारी कैलोरीज हैं वो 2509 की बजाय 2609 बन जाए। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखो, हम ऑब्वियसली पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे पोस्ट वर्कआउट दिया हुआ है 4 राइस केक्स, अब नॉर्मली राइस केक्स हम नहीं खाते या हम पसंद नहीं करते, तो और 4 राइस केक्स आपको कितनी कैलोरीज दे रहे हैं, 130 कैलोरीज दे रहे हैं, 129। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, आप पोस्ट वर्कआउट में सजेस्ट कर दो अपने एथलीट को 2 होममेड शामी कबाब, 2 होममेड शामी कबाब आपको देंगे 150 कैलोरीज, तो 130 और 150 मोर और लेस सेम आपके बैलेंस आउट हो जाए। ठीक है, तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आप इन्हीं डाइट प्लान्स को यूज करके बहुत स्मार्टली अपना डाइट प्लान कस्टमाइज कर सकते हो किसी भी एथलीट के लिए। तो दिस इज अच्छा, और फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि जो किताब हमने पढ़ी है दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट रेफरेंसेस इन स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन ग्लोबली। ठीक है, ये किताब पे बेस करके पैनकेक्स बिल्कुल कर सकते हो बेटे, क्या देयर इज नो हार्म। ये किताब की बेस पे आप जब भी कोई डाइट प्लान बनाओगे या कहीं पे दुनिया में जाके कोई बात करोगे और रेफरेंस दोगे इस किताब कंप्लीट गाइड टू स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन बाय नीता बीन, तो आपकी बात में बेटे जो आपकी बात कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता कि नहीं ये तुम बिल्कुल गलत कह रहे हो। ठीक है, तो
इसी तरह से आप अकॉर्डिंगली इन डाइट प्लान्स को भी एथलीट्स के लिए मॉडिफाई करके बड़ा कन्वीनियंटली बड़ा इजीली अपने लिए इनको आप कर सकते हो मॉडिफाई। ठीक है, तो ये है कहानी जनाब। ठीक है, होपफुली आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपने इनको मॉडिफाई करना है इफ नीडेड, या पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के अंदर कुछ चीजें रिप्लेस करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो। ठीक है जी, सो ये मैंने आपको आज बताना था। अच्छा, इसके अलावा बेटे ये है कि पता नहीं क्या लेना था मैं से चलो याद आएगा तो मैं दे दूंगा। ठीक है, अच्छा बाकी इंशाल्लाह हम कल आगे फर्दर कुछ और चीजें अभी रहती हैं वो हम डिस्कस करेंगे। हाँ, क्या मैं रहा था कि अब माशाल्लाह आपके पास इतना नॉलेज स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन का आ गया है, ऑथेंटिक नॉलेज, हमने कुछ भी इंटरनेट से नहीं पढ़ा, हमने सब किताब से पढ़ा और इंतहाई ऑथेंटिक किताब से पढ़ा। आप लोग कहीं पे भी किसी फोरम पे जाके दो घंटे भी बोलना हो ना स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन पे, तो लिटरली ईच वन ऑफ यू कैन स्पीक फॉर 2 hours विदाउट अ ब्रेक, और ना ना करते भी अगले को कन्विंस करके आओगे। ठीक है, अगर बहुत कुछ नहीं होगा तो ठीक है। सो दिस इज इट फॉर टुडे, अगर कोई क्वेश्चन है तो फटाफट से कर लो, अदरवाइज दैट्स इट, हम इसको एंड कर देते हैं। आई थिंक ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन। ठीक है बेटे, सो हम इसको एंड करते हैं, इंशाल्लाह ताला कल फर्दर डिस्कस करते हैं, कुछ चीजें हमारी रह गई हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।